सर, ये जो लोग कह रहे हैं कि जो जॉब को लेके यूपी बर्बाद हो गया, इनसे पूछे कि इन्होंने कितनी जॉब दे रखी थी। हमारे यहाँ पे, मैं एक यंगस्टर हूँ, हम लोग काफ़ी टाइम से जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं। अब तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरी जॉब लग भी सकती है। उससे पहले तक मैं हूँ, मेरे साथ के काफ़ी सारे यंगस्टर्स लोग हैं, उससे पहले हम लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हाँ, हम कभी कुछ कर भी पाएंगे। क्यों? क्योंकि हर जगह या तो ये लोग हर जगह या तो रिश्वत मांगते थे कि नहीं जी। क्यों? क्योंकि हर जगह पैसे चाहिए पहले। जो जिसमें सामर्थ्य है, जिसमें टैलेंट है, उसको तो कभी कोई पूछता ही नहीं था। जब भी मैं घर से बाहर निकलती थी, तो जब मैं छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स मुझे खुद से बाहर नहीं निकलने देते। छोटी थी जब मैं, तो मुझे नहीं समझ में आता था क्यों। पर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मुझे समझ में आने लग गया, तो वो तो मुझे बाद में रोकते थे। मेरी खुद ही हिम्मत नहीं होती थी घर से बाहर निकलने की। अब 2017 के बाद से मुझे नहीं लगता मुझे कहीं डर है। मैं रात को 9-9 बजे, 8-8 बजे आराम से घर पर आती हूँ। साथ में एंटी रोमियो स्क्वाड, लव जिहाद, ये सारी चीज़ें चला के योगी जी ने इतना अच्छा काम किया है। मुझे नहीं लगता मैं क्या कोई भी लड़की इस समय डरती होगी घर से बाहर निकलने के लिए। पहले हम लोग को पढ़ने के लिए हमें सोचना पड़ता था कि इस टाइम से इस टाइम तक, एक टाइम बन गया था कि इस टाइम से इस टाइम तक हमें पढ़ना है, उसके बाद सब बंद हो जाएगा क्योंकि लाइट चली जाएगी। उसके बाद सो जाओ या कुछ भी कर लो। गर्मी है तो घर पर एसी नहीं चला पाते, कूलर नहीं चला पाते। क्यों? क्योंकि गर्मी है, लाइट नहीं आ रही। शहरों में, हमारे हापुड़ में ये स्थिति रही है, हमारे घर में ये स्थिति रही है, हमारे यहाँ पे ये स्थिति रही है। सर, और कहाँ की बात करें, यहीं पे ऐसा रहता था कि हम लोग का टाइम बना हुआ था, इस टाइम से इस टाइम तक हम काम कर लेते हैं, उसके बाद लाइट नहीं आएगी। सर, कहे कोई भी, जिसका काम है दिखेगा उसी का ही। अखिलेश जी कहते रहे हमने ये किया, हमने ये किया, पर किया जिसने है वो हमें दिख रहा है। आज हम एक छोटी सी बात करें, अगर एक बहुत छोटी सी राम मंदिर की बात करें, शुरू से कब से चलता आ रहा है कि हमें वोट दीजिए, हम राम मंदिर बनवाएंगे बनवाएंगे बनवाएंगे। 491 वर्ष बाद राम मंदिर बना है। किसके सरकार में? योगी जी की सरकार में। तो कहने को तो कोई भी कह दे।